और अब बात करते हैं, मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मीटिंग के दौरान ये घोषणा की है और आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया है। दरअसल बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से बैठक चल रही है। इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है, लेकिन इसी दौरान बताया जा रहा है इस मीटिंग के दौरान ही घोषणा की गई है और आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया गया है बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से। हालांकि ये बैठक जो बीएसपी की तरफ से चल रही है, इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति, और इसी दौरान बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, देखा गया है कि मीटिंग के दौरान ही ये घोषणा की गई है बीएसपी अध्यक्ष की तरफ से और आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। जी हाँ, बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से ये खबर बहुत बड़ी है। आप इसको सिर्फ ऐसा समझ सकते हैं कि मान्यवर कांशी राम, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया था, उन्होंने अपना एकमात्र अधिकारी घोषित किया था मायावती जी को, जो इतने वक्त पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज के दिन उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ले मैन लैंग्वेज में, यानी एक लाइन में इस बात को समझें कि अब बसपा मुखिया मायावती के बाद पार्टी की देखरेख और तमाम जो जिम्मेदारी होगी भविष्य में, वो जो है देखेंगे आकाश आनंद। हालांकि इसमें एक छोटी सी जो चेंजेस भी है कि यूपी और उत्तराखंड की जिम्मेदारी अभी भी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती देखती रहेंगी, यानी कि यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर के बाकी देश के जितने राज्य हैं वहां की पूरी जिम्मेदारी अब होगी आकाश आनंद के पास, नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ। यानी कि मायावती जी अगर राजनीति से किसी वक्त पर संन्यास देती है या फिर खुद को बैक करती है या फिर राय मशवरे तक खुद को सीमित करती है, तो ऐसे में पार्टी की कमान सीधे आकाश आनंद देखेंगे। तो उत्तराधिकारी उन्होंने फाइनली आज बैठक में घोषित कर दिया है। ये पार्टी का दफ्तर है, हालांकि बैठक अभी चल रही है और न्यूज 18 के बाद एक पुख्ता खबर है कि अब उत्तराधिकारी उनको घोषित कर दिया गया। आकाश आनंद की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो लगातार आकाश आनंद एक्टिव रहे हैं, वो कर्नाटक का इलेक्शन रहा हो, महाराष्ट्र का इलेक्शन रहा हो, यही नहीं कई जगहों पर जो बीएसपी का ट्रेंड नहीं है कि क्वार्टर लगा करके या डिफरेंट जगहों पर कैंप लगा करके पार्टी को मजबूत किया जाए, लेकिन आकाश आनंद ने वो काम करना भी शुरू कर दिया था। और जिस तरह से वो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के राइट हैंड पर बैठते थे और साथ ही राय मशवरे में भाग लेते थे, विजुअली भी आज वो उसी तरह से दिख रहे थे, लेकिन इस बात के ऐलान को लेकर के थोड़ा सा अभी लोग शुभ कर रहे थे कि अभी आने वाले दिनों में ऐसा ऐलान होगा, लेकिन फाइनली आज मायावती ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तो कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में आप ही माने कि कमान पार्टी की उनके पास होगी, तो ऐसे में एकमात्र बड़ा उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित कर दिया। यानी जिस तरह से जो है कांशी राम जी ने जो है पार्टी की बागडोर और कमान उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें मायावती जी, जो कि मौजूदा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको घोषित किया था, आज उसी तरह फाइनली उन्होंने उनका नाम घोषित कर दिया है। सिर्फ यूपी उत्तराखंड उन्हें बैठक में कहा, जो हमारे सूत्र हैं, सोर्सेज हैं, जो अंदर से फोन में बात हुई है, कि क्योंकि यूपी और उत्तराखंड बहुत बड़े राज्य हैं और यहां पर जो है डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में बैठक के दौरान मायावती जी ने इस बात को कहा कि डाइवर्सिटी को देखते हुए आकाश अभी यूपी और उत्तराखंड को लेकर ट्रेन किया जाएगा, यूपी और उत्तराखंड की जिम्मेदारी वो खुद देखती रहेंगी, लेकिन बाकी राज्यों में, चाहे दिल्ली की बात कर दें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें, दूसरे जितने राज्य हैं जहां एक्टिव है, महाराष्ट्र में भी एक्टिव है, जो है कर्नाटक में भी बहुजन समाज पार्टी एक्टिव है, तो इन तमाम जगहों की जिम्मेदारी आकाश आनंद के पास होगी। न सिर्फ वो नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे, बाकी आगे आने वाले दिनों में वो पार्टी के मुखिया, यानी कि पार्टी के भविष्य में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आकाश आनंद को आज बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। तो ये बात मान करके चलिए, बहुजन समाज पार्टी ने हालांकि आज अपनी बैठक तीन मुद्दों के लिए बुलाई थी, जिसमें सबसे अहम मुद्दा ये था कि विधानसभा इलेक्शन हारने के बाद आखिर वजह क्या रही, वोट फीसद उनका क्यों घटा और पहले की तुलना में सीटें क्यों घटी, एक मुद्दा इस पर चर्चा हुई। और जबकि दूसरा मुद्दा जुड़ा हुआ था 2019 के लोकसभा इलेक्शन से, हालांकि वो पार्टी की तैयारी से संबंधित था, लेकिन उस तैयारी को लेकर के सबसे बड़ी खबर यही है कि आकाश आनंद को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। तीसरा जो अहम बिंदु था जिस पर डिसीजन हुआ है, वो 15 जनवरी को लेकर के हुआ है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के तमाम कैडर के लोग, चाहे BS4 के लोग या तमाम लोगों, जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर इस 15 जनवरी को मनाते हैं, जो कि मायावती जी का जन्मदिन है। तो इस दिन भी कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं, हालांकि वो 15 जनवरी जब आएगा तब वो फैसला लिया जाएगा,
तो इस दिन को कैसे मनाना है उस बिंदु पर भी उन्होंने विस्तार से अपनी राय रखी। अब से कुछ देर बाद ऑफिशियली भी जो है बीएसपी कार्यालय की तरफ से जो है प्रेस विज्ञप्ति और तमाम जानकारियां दी जाएंगी। बिल्कुल अलाउद्दीन, आपसे समझना चाहेंगे, बिल्कुल अलाउद्दीन आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, हालांकि जो बैठक चल रही है वो 2024 चुनाव को लेकर चल रही है जो कि काफी अहम मानी जा रही है, क्या आने वाले समय में पार्टी के अंदर कुछ और बदलाव देखे जा सकते हैं क्या? अजी हाँ बिल्कुल, ये बदलाव की ही तरफ इशारा है क्योंकि आमतौर से पार्टी लगातार जो है मायावती जी के हाथ में रही और पॉलिटिकल पार्टी इस देश में कई सारी हैं क्योंकि हमारी जो लोकतंत्र मजबूत लोकतंत्र जो प्रणाली है देश की उसमें बहु जो है दलीय व्यवस्था क्योंकि हमारे यहाँ है, तो ऐसे में और दलों की जो बात होती है उसमें काम करने का एकदम अलग तरीका है, बीएसपी में तरीका अलग है। तो बीएसपी में क्योंकि नेशनल कोऑर्डिनेटर, इलाके के कोऑर्डिनेटर, इसी तरह से ब्लॉक स्तर पर उनका पूरा काडर काम करता है, चुप होकर काम करता है और उनका अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और यहाँ पर सारा पावर एक व्यक्ति के हाथ में होता है, एक दिशा जो ऊपर से चलता है वो नीचे तक चला जाता है, यानी कि ये माना जाता है कि आमतौर से बसपा मुखिया मायावती के जो आदेश निर्देश होते हैं वही आखिरी दिशा निर्देश होते हैं। लेकिन इस बीच में ये फैसला इस बात को दर्शाता है कि आने वाले दिनों में जब आकाश आनंद के हाथ में जो है डोर आएगी, कमान आएगी, हालांकि आप भी कह सकते हैं कि काफी हद तक वो आ भी चुकी है, तो ऐसे में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि वो नौजवान व्यक्ति हैं, बहुत तेज तर्रार हैं, कई जगहों पर जो नए ट्रेंड हैं पार्टी में उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, चाहे वो टेक्निकल चीजें हो या फिर जो है मीडिया में जो चेंजेस लगातार आए हैं, तो अपने यहाँ प्रचार प्रसार के तरीकों को भी उन्होंने चेंज किया है, चाहे वो सोशल मीडिया पर आना हो, क्योंकि बहुत दिनों तक ट्विटर जब जिस जमाने में चलता रहा था तो बसपा मुखिया नहीं थी ट्विटर पर, बाद के दिनों में उनका आना, पार्टी का आना, एक्टिव होना, तो ये तमाम चेंजेस उन्होंने करवाए हैं। जो बसपा है वो जो है बैठकें आमतौर से जो है गूढ़ तरीके से करती है, कैंप्स कम से कम लगाए जाते थे उस वक्त, लेकिन ये सब बदलाव आकाश आनंद की वजह से ही पार्टी में कई सारा देखा गया है क्योंकि नए ट्रेंड के हिसाब से, यानी जो नए ट्रेंड राजनीति में चल रहे हैं अपने वोटर्स तक पहुंचने के लिए, वो तमाम ट्रेंड और तरीकेकार आकाश आनंद ने अपनाया है क्योंकि मायावती जी लगातार इस बात को मानती रही है और कई मौके पर कांचीराम जी भी इस बात को कहते रहे कि उनका जो वोटर है वो बहुत ज्यादा अखबार नहीं पढ़ता, बहुत ज्यादा मीडिया से ताल्लुक नहीं रखता, सोशल मीडिया पे नहीं होता है, हालांकि सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था, लेकिन आकाश आनंद ने तमाम बदलाव पार्टी में किए हैं, तो ऐसा माना जा सकता है कि पार्टी में सिर्फ इसके अलावा संगठनात्मक जो बदलाव है, यानी जो काडर के साथ साथ तमाम संगठन में दूसरे लोगों को शामिल किया जाना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो एक नारा देती है बहुजन समाज पार्टी, उस रास्ते पर भी आकाश आनंद उम्मीद है काम करेंगे और कई सारे चेंजेस लाएंगे, युवाओं को जोड़ने के बारे में वो लगातार कहते रहे हैं, क्योंकि मायावती जी लगातार महिलाओं की आधी आबादी की भी बात करती रही, तो ये उम्मीद की जा रही है कि पार्टी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और अलाउद्दीन ये भी समझा जा सकता है क्योंकि आकाश आनंद पार्टी के अंदर ही कई पदों पर रह चुके हैं और कई जिम्मेदारी भी वो संभाल चुके हैं और पिछले दिनों देखा गया कि राज्यों के प्रभारी भी रहे हैं, तो इसे साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद पर भरोसा जताया है और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह बड़ा फैसला भी लिया गया है क्योंकि वाकई आपने जो ट्रेंड की बात कही, जो राजनीति में ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से यह एक एक करके जो बदलाव है वो देखे जा रहे हैं और पूरे दमखम के साथ कहा जा सकता है कि बीएसपी जो है वो लोकसभा चुनाव में उतरेगी। हाँ जी बिल्कुल, ये बात बेहद अहम हो जाती है और उनकी ट्रेनिंग भी धीरे धीरे दी गई, ऐसा नहीं है एक साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, कई सालों की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग के बाद ही आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले वो अपरोक्ष रूप से पर्दे से पीछे रह करके पहले काम किया करते थे, फिर एस सी मिश्रा जो कि पार्टी के आज भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, कई बार वो राज्यसभा के सांसद रहे, जाने माने वकील भी हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला, फिर बसपा मुखिया ने उनको स्टेट्स में भेजना शुरू किया, वो शुरुआत उन्होंने साउथ से शुरू की, पंजाब में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इस बार काफी एक्टिव रहे, अपनी नई टीम बना करके वो लगातार चलते रहे, तो ऐसे में स्टेप बाय स्टेप ही लेकर के आई, कोऑर्डिनेटर फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और आज इतनी भारी और बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने, यानी पार्टी की पूरी बागडोर या कमान उनके कंधों पर एक हिसाब से अब रख दी गई है, यानी पूरा जो मूवमेंट है या जो पूरा कांचीराम राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, क्योंकि अभी बीएसपी की बैठक चल रही है और इसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? तो राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। दिनेश जी, देखा जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से एक बड़ी बैठक की जा रही है 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए, लेकिन इसी बीच
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, किसी पार्टी का ये आंतरिक मामला होता है कि वो किसको बनाएगा किसको नहीं बनाएगा जी। लेकिन यहाँ पर एक पार्टी में किसको बनाए इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, ये उनका अधिकार है। लेकिन एक मनोवृत्ति पर मेरी जरूर टिप्पणी है कि ये कांग्रेसी जो विचारधारा रही है कि मोतीलाल जी के बाद जवाहरलाल जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी, वैसे भी लालू जी के बाद तेजस्वी जी, मुलायम सिंह जी के बाद शिवपाल जी के बाद अखिलेश जी, और उसी प्रकार से डीएमके करुणानिधि और टाइम के उदयनिधि, और वही परंपरा अब आदरणीय मायावती जी के वहां प्रारंभ हो रही है। ये जितने भी विपक्ष के दल हैं ये परिवारवादी दल हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रवादी दल है, वो जनतावादी दल है, जनता के लिए काम करने वाला दल है। यही इन सारे दलों का और भारतीय जनता पार्टी का अंतर है। बीजेपी में कौन बनेगा जी, ये हर आदमी कह सकता है कि एक कार्यकर्ता बनेगा, लेकिन सपा में कौन बनेगा, बसपा में कौन बनेगा, कांग्रेस में कौन बनेगा, अगर कोई पूछे तो सब यही कहेंगे कि फलाने परिवार का व्यक्ति बनेगा। ये बीजेपी और दूसरे दलों का यही अंतर है जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार विजय की तरफ ले जा रहा है। तो दिनेश जी, इसे ये समझा जा सकता है कि परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, ये मैं नहीं, आप कह रही हैं और ये बात आप जो कह रही हैं वो सही है कि हर पार्टियों में परिवारवाद हावी है और बसपा भी उससे अछूती कहाँ है जी। बीजेपी जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी में आपको नहीं मिलेगा कि मोदी जी का कोई परिवार का व्यक्ति हावी है या अमित शाह जी के परिवार का व्यक्ति कोई राजनीति में हावी हो गया है या योगी जी के परिवार कोई आ गया, आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। नड्डा जी के परिवार कौन है कोई जानता ही नहीं। लेकिन दिनेश जी, ये भी कहा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव होना है, उसी के लिहाज से ये स्टेप बाय स्टेप बीएसपी की तरफ से आगे बढ़ा जा रहा है? बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ना राजनीतिक दल का अधिकार है, उसमें किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है जी। उसमें किसी दल को आपत्ति करनी भी नहीं चाहिए कि अगर वो बढ़ रहे हैं, अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उनका अधिकार है, उनको बढ़ना भी चाहिए। लेकिन परिवार बढ़ना चाहिए ये जो मनोवृत्ति है यही देश के लिए हानिकारक है और यही विपक्षी दल कर रहे हैं, वो पार्टी को नहीं परिवार को बढ़ाते हैं जी। बहुत शुक्रिया दिनेश जी न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए, और हमारे सहयोगी लगातार अलाउद्दीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। अलाउद्दीन, देखिए इसमें एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि पार्टी के अंदर परिवारवाद जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, यानी कि समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो जो एक शुरू से देखा जा रहा है कि इन सभी पार्टियों में जो परिवारवाद है वो खास तौर पर देखने को मिलता है, ना कि किसी कार्यकर्ता को किसी पदवी पर रखा जाता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुजन समाज पार्टी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग सा है, और खास तौर से जिस तरह से उनका काम करने का तरीका है कि BS4 से लेकर के DS4 जो बनाया गया था कांशीराम जी की तरफ से, वो जमीन पर जाकर के लोगों से मुलाकात करके काम किया करते थे और खास तौर से अपने तमाम लोगों को जगाने के मकसद से सरकारी नौकरियों में रहने वाले लोगों का जो अलग एक दल जो है मिशनरी बनाया था कांशीराम ने, इन तमाम लोगों का काम ही ये था कि खास तौर से जो तमाम मुद्दे हैं सार्वजनिक सुखाए वाले। और दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, क्योंकि आप भी लगातार ये देख ही रहे होंगे क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से बैठक चल रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, लेकिन इसी बीच ये भी घोषणा कर दी जाती है कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं दीपक जी? जी नमस्कार जी। देखिए, आकाश आनंद जी को जो नई जिम्मेदारी मिली है मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। और ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक आंतरिक मामला है, किसको अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं, और मैं इनसे इतनी उम्मीद जरूर चाहता हूं कि जो आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी मिली है बाबा साहब अम्बेडकर जी की मिशन को ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। और मैं समझता हूं कि जो भी जिम्मेदारी जिसको दी गई है, ये बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय मायावती जी जाने और बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जाने की किसको क्या जिम्मेदारी देनी है किसको क्या जिम्मेदारी नहीं देनी है। लेकिन दीपक जी, ये भी है
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, इसको क्या समझा जा कि बाकी राज्यों के तो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है लेकिन अभी ये दो राज्य छोड़े गए हैं इनसे? अब मैंने कहा ना कि देखिए ये उनका आंतरिक मामला है, अभी दो राज्यों में जहां पे अभी पांच राज्यों के चुनाव हुए और निश्चित रूप से हर पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है, तो निश्चित रूप से उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जो है आकाश आनंद जी को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड छोड़ करके अन्य राज्यों की जिम्मेदारी दी होगी और आगे उत्तर प्रदेश में हो सकता है मायावती जी खुद ही जिम्मेदारी उठाना चाहती है। नहीं, लेकिन एक सवाल और भी है, क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती सिर्फ आकाश आनंद पर ही नहीं विश्वास है, भरोसा है, क्या किसी और को ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल दी जा सकती थी। बाबा साहब के साथ बहुत से सीनियर लीडर हैं जो बहुजन समाज पार्टी के लिए और बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन अब इन्होंने अगर आकाश आनंद जी जो कि इनके भतीजे हैं, इनके परिवार के हैं, उनके ऊपर विश्वास जताया, तो इसके लिए हम तो नहीं कुछ कह सकते कि किसको जिम्मेदारी देनी चाहिए किसको नहीं जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। हालांकि साथ ही साथ ये भी सही है कि बहुजन समाज पार्टी में बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत से सीनियर लीडर हैं जो बाबा साहब के मिशन पे लगातार काम करते चले आ रहे हैं, उनको जिम्मेदारी ना दे करके अगर उन्होंने मेरा सवाल आपसे यही था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में भी कई ऐसे सीनियर लीडर हैं जिनको जिम्मेदारी दी जा सकती है लेकिन इनका ये आंतरिक मामला है। लेकिन इससे एक बात और भी साफ होता है दीपक जी, कि क्या परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पर? अब देखिए इस पे मैं नहीं कुछ कहना चाहता कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है या क्या कर रही है, अगर उन्होंने अपने भतीजे के ऊपर विश्वास जताया है तो इस पर मैं नहीं कुछ कहना चाहता। मैं इतना जोर कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में बहुत ऐसे सीनियर लीडर हैं जिन्होंने बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया है, अगर उनको जिम्मेदारी ना देकर के उन्होंने अपने भतीजों को जिम्मेदारी दी है तो ये वो जाने और उनकी पार्टी जाने, उसमें हमारा कुछ नहीं कहना है। बिल्कुल। और दीपक जी ये भी है क्योंकि जिस तरीके से बड़ी बैठक चल रही है बहुजन समाज पार्टी की, वो आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम है, लेकिन अब ये भी है कि इस हिसाब से ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीएसपी की तरफ से बड़ी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपने देखा होगा आज उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पे बहुजन समाज पार्टी के हर नीतियों के खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पे आपको लड़ती दिख रही है। इससे मैं समझता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की जनता जो है समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी आस और उम्मीद भरी नजरों से देख रही है और जितना हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई पार्टी है और जिस तरीके से हम लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के बीच में जा रहे हैं और जिस तरीके का समाजवादी पार्टी के लिए प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, मैं समझता हूँ 2024 में आने वाले चुनाव में इंडिया मोर्चा मिल करके जो है पीडीए जो है दीपक जी जो अपनी बात आप कह रहे हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी होंगे। जी पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी होंगे और कुछ दी गई है? अभी तो केवल काम करेंगे पार्टी में, यूपी उत्तराखंड में नहीं, बाहर राज्य में जो राज्य कमजोर है वहाँ उन्हें लगाया गया, जहाँ राज्य कमजोर वहाँ उन्हें लगाया गया। जी और कुछ जिम्मेदारी? बस यही। ठीक। दीपक जी बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। अलाउद्दीन आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।